नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुई घटना के विरोध में उमरिया जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं भाजपा के चुरहट विधायक शारदेंदु तिवारी व उमरिया बांधवगढ़ के विधायक शिव नारायण सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष सिंह के नेतृत्व धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए उमरिया से दिवाकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्र के नौजवान क्यों नहीं हुआ, राम मंदिर का फैसला आ गया, देश में क्यों नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में माफिया राज के खात्मे के नाम पर जिस तरह से बालू का, दारू का और भू का के माफिया को संरक्षण कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसका विरोध था। चुन चुन कर जो लोकतंत्र में विरोधी आवाज़ पैदा करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के भी जो लोग हैं, सामान्य नागरिक भी जो इनकी नीतियों से असंतुष्ट है, जो इनके वचनों से हट जाने के कारण इनके ऊपर प्रश्न उठा रहा है,